उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़ रहे डिंपल यादव बम्पर जीत की ओर बढ़ रही हैं। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई सीट पर भाजपा ने अखिलेश यादव और डिंपल को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन तीन चरणों की मतगणना के बाद सपा उम्मीदवार डिंपल भाजपा के रघुराज शाक्य से लगभग 15,000 से ज्यादा वोटों से लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। सपा को मैनपुरी में शिवपाल यादव के समर्थन का भी सीधा लाभ मिलता दिख रहा है। शिवपाल के गढ़ जसवंत नगर में सपा को बड़ी बढ़त मिली है। यहां 8वें राउंड की गिनती के बाद डिंपल यादव 21,000 से ज्यादा वोटों से आगे थीं। डिंपल को 36,664 और भाजपा के रघुराज सिंह को जसवंत नगर में ये खबर देने तक 15,175 वोट मिले थे। मैनपुरी के अलावा रामपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हो रहे हैं। यहां सपा के उम्मीदवार आसिम रजा शुरुआत में पिछड़ने के बाद मामूली बढ़त बनाए हुए हैं। बता दें कि रामपुर सदर विधानसभा में 33% मतदान हुआ था। आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद यहां उपचुनाव कराए गए हैं। रामपुर वह सीट है जहां 55-60% मुसलमान वोटर हैं, और वोटिंग कम होने के बाद भाजपा को इस सीट पर उलटफेर की उम्मीद थी, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि इन उपचुनावों के नतीजे का केंद्र और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हार जीत का मनोवैज्ञानिक प्रभाव साल 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अहम माना जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लोकमत हिंदी।